The diamond industry in Surat has picked up steam after it witnessed a slump in business last year. More than 5,000 Surat polishers had lost their jobs since June 2015 as Chinese consumers pulled back luxury purchases, leaving jewellers with stocks of unsold jewellery and gems. However, Surat Diamond Association President Dinesh Navadia said business was slowly picking up in pace in the diamond city of the world. दिवाली के पहले जो सिचुएशन डायमंड इंडस्ट्री में थी बहुत मंदी का माहौल था और इंडस्ट्री ने ये माहौल में से बाहर निकलने के लिए कई स्टेप लिए थे, खास करके टाइम कंट्रोल किया था, ओवर प्रोडक्शन कंट्रोल किया था और रफ ट्रेडिंग जो ओवर कर रहे थे उसमें भी कंट्रोल किया था। उसका बेनिफिट दिवाली के बाद देखने को अभी मिल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिमांड भी अच्छी है, लोकल मार्केटिंग जो पॉलिश डायमंड ट्रेडिंग का जो कारोबार है वो भी अच्छी तरह से चल रहा था। पहले जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट और सेल कॉस्ट में जो डिफरेंट आ रहा था वो अभी बहुत कम हो गया है, मुनाफे की तरफ अभी ये बिजनेस जा रहा है। He added that the return of workers has given a boost to the industry. मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी आने के डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा मैं अभी देख रहा हूं और इसे कम कैसे कम किया जाए इसके लिए हमने अभी पॉइंट्स भी रेडी कर ली है और 6 तारीख को बॉम्बे के अंदर इसके बारे में मीटिंग भी है। Navadia feared that the passage of goods and services tax bill in the parliament would have a negative impact on the industry. Correspondent Dharmesh from Surat for ANI.